द रिपब्लिकन टाइम्स। खबर ही नहीं, विश्लेषण भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपब्लिकन टाइम्स। द रिपब्लिकन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आरिफ आलम, मैं अभी मौजूद हूँ चौसा प्रखंड क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाका में, और मेरे साथ जो यह तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं और वर्तमान में आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और साथ ही साथ बिहार विधानसभा क्षेत्र के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, जो है आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इलाके का खुद नाव से आज दौरा है और साथ ही लोगों का जो है हालचाल जानने के लिए निकले हुए हैं, जिससे कि लोगों के दुख दर्द और ये जो बाढ़ की पीड़ा दोबारा आ गई है, जो लोगों को जो है संकट की घड़ी में उन लोगों की हालात को जानने निकले हैं, हम उनसे भी कुछ इस संबंध में बात करते हैं। आइए, क्या कहते हैं इस संदर्भ में, उन्हीं से बात करते हैं। या अभी ये जो बिहपुर से लेके फुलौत होते हुए किशनगंज तक NH बन रही है, आप देख रहे हैं कि मेन कोसी में बन रही है, वो जब नहीं टूटेगी तो ये क्यों टूटेगी, ये चिंता का विषय है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये मैं मांग करता हूँ ग्रामीण कार्य विभाग के जो मंत्री हैं बाबू अशोक चौधरी साहब और जो अपर मुख्य सचिव हैं इस विभाग के, कि जब बाढ़ इलाके में आप प्राकलन बनावें तो वहाँ की आवश्यकता के अनुसार बनावें, एस्टीमेट ऊंची हो। मैंने फिर कहा दोनों तरफ बोल्डर हो, पानी बहने का रास्ता हो और मैक्सिमम ढलाई किया जाए बाढ़ इलाके में। आप देखे होइएगा फुलौत से लेके चिरौरी चौसा तक, मैं जब RWD मिनिस्टर था, RUA मिनिस्टर था मैं उस समय में, तो मैंने 13 जगह पुला का निर्माण करवाया था, बोल्डर दिलवाया था, एक फरदा पारी में वहाँ पर पानी बहता था, बाकी पानी कहीं उस पर नहीं बहता था। तो मैंने लगातार इस बारे में प्रयास किया है, विधानमंडल दल की बैठक में रखा है, और इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि एक मैंने जो कॉल अटेंशन रखा है बिहार विधानसभा में, कि वो ये है कि ये तो अस्थाई समस्या। अस्थाई समस्या क्या हुआ कि हमारे इलाके में बाढ़ का पानी घुसे नहीं, तो हमने डुमरी पुला से खगड़िया जिला में मंडल सेतु से लेके कपसिया, मुरौत, फुलौत, आपका मोरसंडा होते हुए नगोछिया होते हुए कुरसेला तक कॉल अटेंशन दिया था, असेंबली में मंजूर हुआ था और तत्कालीन मंत्री श्री संजय झा साहब ने जवाब दिया था कि हम तीनों मुख्य अभियंता से इसका प्राकलन मंगा रहे हैं और हम अग्रतर कार्रवाई करेंगे। हम उस पर भी पत्रकार महोदय लगे हुए हैं कि उस वो अगर बन जाता है तो बाढ़ का पानी अंदर नहीं आएगा, सुलिस गेट रहेगा, आवागमन का रास्ता बनेगा। इस पर मैंने बिहार विधानसभा में ध्यानाकर्षण एक उसका फॉरम है उठाने का, 200 वार्ड में समस्या को मैंने उठाया था। रिंग बांध को लेकर सर? हाँ, रिंग बांध उसको वहाँ 70 किलोमीटर उसकी दूरी हो गया के कुरसेला टू डुमरी घाट। अभी जो सर वर्तमान में सिर्फ जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन लोगों की सिर्फ ये मांग चल रही है कि हमको सिर्फ जो मुआवजा है फसल मुआवजा मिल जाए और जो हम लोग को खाने पीने के लिए अनाज नहीं है वो मिल जाए, इसलिए कि जो फसल होने का उम्मीद था दोबारा पानी आने की वजह से वह डूब करके बर्बाद हो गया, अब उसमें कोई भी उम्मीद नहीं है और आपसे सर पूरा आस लगाए हुआ है। अभी भी हम लोग आ रहे थे तो इस नज़र से लोग देख रहे थे कि आप पर पूरी आशा बनी हुई, आप पर पूरी आस लगी हुई है। पत्रकार महोदय, मैंने अपने बातचीत के क्रम में कहा कि आपके सामने में जिला पदाधिकारी मधेपुरा से फसल मुआवजा के लिए इसके सर्वेक्षण के लिए मैंने मांग की है और आपके आने से पहले अनुमंडल पदाधिकारी उदा किशनगंज और आपदा विभाग के अपर समाहर्ता मधेपुरा थे, मैंने उनसे भी कहा है कि जो रिलीफ कोर्ट कहता है ये इलाका उसको पूरा करता है और जो उसकी आवश्यक आवश्यकताएं हैं आप उसको दीजिए। मैंने कलेक्टर साहब से भी कहा था और ADM साहब से भी कि आप रेडीमेड फूड जो है बनाइए, चाहे वह चूरा शक्कर हो, पॉलीथीन हो, पशु चारा हो, नाव की व्यवस्था हो, मेडिकल की व्यवस्था हो। अभी आपने देखा एक जगह पर नाव का परवाना दिया गया इस जगह पर आके, तो आवागमन हमारा चालू होता रहे। इस पर भी मैंने बातें की है ADM आपदा से और SDO उदा किशनगंज से,
और यहाँ से मैं जब लौटूंगा तो अपर मुख्य सचिव आपदा से भी, आपदा मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से भी आपकी बात को और महान मतदाता जनता की बात को मैं पहुँचाऊँगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद।